Hello everyone, this is the second part of the chapter The Tsunami. Yes, let's start. The Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Tilly Smith, a girl hai British school ke andar, jo save karti hai bahut sari lives ko, kahan par, jab wo kahan hoti hai, Thailand, Phuket Beach par. Though she has won a number of awards, is karan usko bahut sare jo hai awards bhi milte hain, her parents have no allowed her daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया था, किस लिए कि उसकी डॉटर कोई भी इंटरव्यू दे टेलीविजन पर. क्यों? क्योंकि जो है वो क्या नहीं चाहते थे, पब्लिसिटी नहीं चाहते थे मेड इनटू अ हीरोइन, कि वो हीरोइन बन जाए. व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तुम्हें क्या लगता है वो क्यों ऐसा डिसीजन लेते हैं? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. यहाँ पर एक स्टोरी है थाईलैंड की. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. तो स्मिथ फैमिली जो है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में जो है सेलिब्रेट करने आई थी क्रिसमस. बीच पर होते हैं वो, कहाँ? साउथर्न थाईलैंड के एक बीच पर. यस, क्रिसमस एट अ बीच रिसॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. तो जो साउथर्न रिसॉर्ट होता है, कौन सा बीच रिसॉर्ट जो है. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूलिंग गर्ल. जो है टिली स्मिथ एक स्कूल गर्ल होती है 10 years की. हर सिस्टर वॉज 7-year-old. उसकी सिस्टर 7-year-old की होती है. देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसके पेरेंट्स हैं पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. ये 26 दिसंबर 2004 की बात है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी टू देयर वे. डेडली जो एक घातक जो है बहुत ज़्यादा जो सुनामी है उसकी वेव्स जो हैं ऑलरेडी अपने रास्ते पर होती हैं, मतलब सुनामी आ चुकी होती है. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमित्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. ऑलरेडी वहाँ पर जो है क्या होता है भी एक जो है ऑलरेडी अर्थक्वेक जो है वहाँ पर कॉज्ड हो चुका होता है कि साइड नॉर्थन सुमित्रा साइड जो है उधर मॉर्निंग में. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप कमिंग इन. स्वेलिंग मतलब सूजन आना, सूजन मतलब उभार आना. तो जो वाटर है उसमें उभार आ रहा था, मतलब वो हाई वेव्स ले रहा था कमिंग इन. पैनी स्मिथ रिमेम्बर्ड. पैनी स्मिथ को याद होता है, कहती है कि जो वाटर है वो क्या कर रहा है, स्वेलिंग हो रहा है. कैप कमिंग इन भी अंदर की तरफ आ जाइए. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो बीच हो रहा है वो स्मॉल एंड स्मॉल हो रहा है. बीच स्मॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, पानी आगे की तरफ आ रहा है, तो बीच क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है. कौन कह रहा है? पैनी स्मिथ. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ जो उसको सेंस होता है, उसको फील होता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट ऑफ थाईलैंड विद हर फैमिली. जो है उसका हर माइंड कैप्ट, उसका माइंड जो है बैक की तरफ जाता है. कहाँ पर? एक ज्योग्राफी लेसन की तरफ. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट थाईलैंड विद हर फैमिली. यहाँ आने से पहले थाईलैंड पर जो है उसकी फैमिली के साथ आने से पहले उसने जो है ज्योग्राफी लेसन जो है पढ़ा था. टिली साथ द सी स्लोली राइज. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. टिली को जो है सेंस होता है, वो अपने फील करती है कि कुछ गलत हो रहा है. ही माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन. उसका दिमाग ज्योग्राफी लेसन की तरफ जाता है. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो किसने इंग्लैंड में पढ़ा था जस्ट 2 weeks अगो, 2 week दो हफ्ते पहले. कब? बिफोर शी फ्लू आउट ऑफ थाईलैंड विद हर फैमिली. यहाँ पर आने से पहले थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ. क्या? कि थाईलैंड जब आती है उससे पहले 2 हफ्ते पहले उसने एक चैप्टर पढ़ा होता है, ज्योग्राफी लेसन पढ़ा होता है, जिसमें उसने सुनामी के बारे में पढ़ा था. टिली सादा सी स्लोली राइज. टिली देखती है कि सी जो है उठ रहा है, राइज हो रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल. अब उसके अंदर जो है सारी चीज़ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. क्या? कि फॉर्म बबलिंग हो रही होती है, वर्लपूल हो रहा होता है सबके अंदर. शी रिमेंबर्ड दैट. उसको रिमेंबर होता है, याद आता है. शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड इट हिट द हवाई आईलैंड इन 1946. उसको याद आता है कि उसने ये सीन देखा है कब? क्लास के अंदर जब वीडियोज़ दिखाई जाती है सुनामी वाली, उसके अंदर जब जो है आईलैंड जो है कौन सा हवाइन आईलैंड पर जो हिट करता है, कौन? सुनामी. इन 1946 कि जब उसकी क्लास के अंदर 1946 का जो है सुनामी का इंसिडेंट दिखाया जाता है, तो उसमें वो सीन होता है कैसे जो है सीज राइज करती हैं, ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं. तो वो सब देख के उसको अपनी क्लास की इस वीडियो का याद आ जाता है
हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास दैट वीडियो, उसके ज्योग्राफी टीचर ने क्लास के अंदर ये वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड दैम, और उनको बोला था द सुनामीज कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक। क्या कॉज मतलब कारण, भी जो सुनामी होती है उसका कारण क्या होता है, अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनोस। वोल्केनोस मीन्स क्या होता है, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, लैंडस्लाइडिंग, लैंड्स का जो है भूमि जो स्लाइडिंग होती है होने शुरू हो जाती है, लैंड जो अपनी जगह से खिसकना शुरू कर देती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली जो है चिल्लाना शुरू करती है अपनी फैमिली को कि यहाँ से बीच से चलिए। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, वो बात करते हैं अंडर द, वो बात करती है, कहती है क्या कि सी के अंदर जो है भूकंप आ गया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, कि वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल मतलब बहुत ज़्यादा शाउट करने लगे, चिल्लाने लग जाती है बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल। सेड हर मदर, पैनी उसकी मदर कहती है आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या है, बट सीइंग माय डॉटर सो फ्रिटेंड, जो उसकी मदर बता रहे होते बाद में कि मैं नहीं जानती सुनामी क्या, लेकिन मेरी बेटी को इतना और डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि तब मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि क्या कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। मतलब भी टिली जो है उसको सब कुछ समझ आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसने वो ज्योग्राफी चैप्टर रीड किया होता है तो उसको नॉलेज में रहता है कि क्या ये सुनामी है। तो वो अपनी फैमिली को सेव करने के लिए चिल्लाती है, तो उसकी मदर क्या बोलती है कि उनको नॉलेज में नहीं था सुनामी क्या है। तो उन्होंने अपनी बेटी को जब देखा क्या कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो वो भी कह सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में वास्तव में कुछ ना कुछ सीरियस जो है वहाँ पर हैपन हो रहा था। टिलीज पेरेंट्स लुक टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द अदर बीच, टिली के पेरेंट्स जो है टिली को और उसकी सिस्टर को लेके किसी अदर बीच पर जाते हैं, टू बी स्विमिंग पूल एट द होटल। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ साथ और भी अदर जो है टूरिस्ट होते हैं वो जब उस बीच को छोड़ देते हैं। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन। क्या कि अब टिली के साथ जो और टूरिस्ट होते हैं वो सब देख के जो एक सेफ प्लेस पर जाने का सोचते हैं, तो क्या होता है, देन इट वॉज इफ़ द एंटायर सी हैड कम ऑफ आफ्टर दैम, भी उनको था भी उनके पीछे पीछे सारा सी जो है आ रहा है, कैसे मतलब भी बीच स्मॉल होता जा रहा था, पानी जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी रन भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है किसी जगह पर शेल्टर लेना, रहने का स्थान, रिफ्यूज। द फैमिली टुक रिफ्यूज, फैमिली ने जो है रहने के लिए शेल्टर लिया मतलब एक जगह पर प्रोटेक्शन ली। इन द थर्ड फ्लोर ऑफ अ होटल, होटल के थर्ड फ्लोर पर द बिल्डिंग व्हर्लपूल द सर्च ऑफ थ्री सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग है वो जो है जो सुनामी की वेव्स उनको फोर्स करती है, सर्च मतलब होता है फोर्स करना, तो उस फोर्स के साथ जो है बहुत विथस्टूड मतलब खड़ी रहती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, मतलब उस बिल्डिंग ने उनको बचा लिया होता है, अगर वो बीच पर रहते बीच पर रुकते तो आज वो भी क्या नहीं होते, जीवित ना होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, उसके बाद स्मिथ्स जो हैं वो अदर टूरिस्ट से मिलते हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खो दिया होता है। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, टिली और उसके जियोग्राफी लेसन को थैंक, दे हैड बीन फॉर ए वर्ड। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड द क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, तो वो जब स्कूल वापस जाती है इंग्लैंड तो अपने स्कूल मेट्स क्लासमेट्स को बताती है टेरिफाइंग मतलब उस भयानक टेल मतलब कहानी के बारे में। यस, योर सेकेंड पार्ट इज कम्प्लीटेड, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट। यस, थर्ड पार्ट, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ अ बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी, एक बच्चे को उसके साथ डॉग के साथ देखिए और ट्राई करिए, कोशिश करिए डिस्क्राइब करने की जो आप देख सकते हैं, यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यूज़ करें जस्ट वर्ड्स को और फ्रेजेस को। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स दैट फ्रेजेस यू ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टार्ट, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। क्या कि अब हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि एनिमल्स जो है क्या वो महसूस कर सकते थे भी कुछ ना कुछ हैपन होने वाला है, कुछ ना कुछ जो है रॉन्ग चीज़ होने वाली है वहाँ पर। तो यही है क्या कि जो वेव्स है, जो जाइंट वेव्स है, उनके आने से पहले जो इंडिया श्रीलंका
जो वाइल्ड वाइल्ड मतलब जंगली और डोमेस्टिक मैंने पालतू, तो वाइल्ड और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर हैपन होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो जो है सेफ्टी के लिए पहले से ही रेडी हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। जो आई विटनेस मतलब जो वहाँ पर जो लोग थे, दर्शक थे, मतलब जिन्होंने आई विटनेस जो थे उन्होंने क्या बताया, उनके अकॉर्डिंग जो है एलिफेंट्स जो थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए जो है हायर ग्राउंड बड़े ग्राउंड की तरफ भागना शुरू करते हैं। डॉग रिफ्यूज़ टू गो आउटसाइड्स, गॉड्स डॉग्स जो होते हैं वो रिफ्यूज़ माने मना करना, जो है वो मना करते हैं किस लिए, आउटसाइड बाहर जाने के लिए। फ्लेमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, फ्लेमिंगोज भी है जो अपना लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया होता है उसको भी क्या कर देते हैं, अबंडन, अबंडन मतलब त्याग देते हैं। एंड जू एनिमल्स रश इन टू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट। अब जो जू एनिमल्स होते हैं वो भी तेज़ी से जो है देयर शेल्टर्स अपने शेल्टर्स के अंदर चले जाते हैं और वो भी जो है बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए होते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं दैट एनिमल पजेसिस ए सिक्स सेंस, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक सिक्स सेंस जो होता है। एंड नाउ व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, अब जो अर्थ के अंदर शेक मतलब हिल रही होती है, अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ रॉन्ग हैपन हो रहा होता है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स दैम टू हेयर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि उनका जो सिक्स सेंस होता है वो हेल्प करता है क्या उन एनिमल्स को हेयर करने के लिए, सुनने के लिए और फील करने के लिए अर्थ की उन वाइब्रेशंस को। मतलब कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर फाइव सेंसेस होते हैं तो उन ह्यूमंस के अलावा जो है उन एनिमल्स के पास एक सिक्स सेंस जो है एक्स्ट्रा होता है जो क्या उनको हेल्प करता है क्या करने के लिए, जो उनके साथ रॉन्ग कुछ भी अर्थ पर होने वाला होता है या कुछ भी वाइब्रेशंस होती हैं उनको फील करने के लिए। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइजिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, जो वो होते अपने सेंस से जो है पहले उस डिज़ास्टर उस आपदा की तरफ पहुंच जाते हैं ह्यूमंस जो है उन, जब उनको पता लगता है जब वो घटित होता है उनसे बहुत ही पहले, मतलब ह्यूमंस जब को जब पता लगता है जब कुछ घटित होता है तब ह्यूमन समझते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है एनिमल्स उस डिज़ास्टर के बारे में पता कर लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम लोग श्योर नहीं है कि एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस है या नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन फैक्ट ये है द जाइंट वेव दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। क्या कि ये बात नहीं है कि सेंसेस है या नहीं है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि जो जाइंट वेव्स हैं, जो बड़ी वेव्स आई उन्होंने क्या किया, वो रोल्ड अप कर दिया इंडियन ओशंस, इंडियन जो हमारे ओशंस हैं उन पर जो है 150,000 लोगों को दर्जन कंट्रीज़ के अंदर। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बिन रिपोर्टेड डेड, लेकिन अभी तक एनिमल्स की कोई भी रिपोर्ट नहीं है डेड की। अलॉन्ग इंडियाज कडेलोर कोस्ट वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स आर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन वहीं पर जो है कुछ थाउजेंड। दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कि जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में वो वेराइटी मतलब बहुत सारे एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो है एक होम है, मतलब वहाँ बहुत सारी वराइटीज़ के प्रकार के एनिमल्स पाए जाते थे लाइक एलिफेंट्स, लियोपार्ड जो है, और उसके अलावा 130 टाइप्स के वहाँ पर बर्ड्स थे। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क, पतलंगला जो बीच है वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है 60 विजिटर जो हैं वो क्या हो गए थे, वॉश अवे हो गए थे, वो भी वहाँ पे डेड हो गए थे। बट नो एनिमल क्रिकेसेस वर फाउंड अनएक्सपेक्ट फॉर टू वाटर बफेलोज अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल एंड याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। कि अब जो है वहाँ पर जो है बहुत सारे जो एनिमल्स थे उनमें से कोई भी जो एनिमल्स उसको हार्म नहीं होता है सिवाय किसके, टू वाटर बफेलोज के,
जो टू वाटर बफेलोज थे उनको जो है हार्म होता है अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, जो एक घंटा पहले जो है सुनामी हिट करती है। बिफोर एट याल नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व थ्री एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतलांगा बीच। क्या कि अबाउट एन आवर बिफोर, भी एक घंटे पहले जो है सुनामी के हिट करने से जो लोग होते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि येला नेशनल पार्क जो है वहाँ पर थ्री एनिमल्स जो हैं भाग रहे हैं कहाँ पे, पतलांगा बीच की तरफ, जो बीच की तरफ से। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्ड ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। कि श्रीलंकन पर्सन है एक, वो बताता है कि उसके जो टू उसके सॉरी नियर गैले जो है वहाँ पर जो है उसके पास टू डॉग्स थे जिसको वो डेली जो है रनिंग के लिए बाहर लेके जाता था बीच पर। आज वो भी क्या कर रहे थे, ना कर रहे थे, नो कर रहे थे बाहर जाने के लिए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन देयर आउटिंग, वो डेली एक्साइटेड होते थे आउटिंग के लिए, बाहर जाने के लिए। ही सेड, उसने बताया कि अब आज वो एक्साइटेड नहीं थे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, और आज उसने क्या कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया जाने के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ, क्योंकि अपनी लाइफ को बचाने के लिए। येस दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटेड। नाउ देर आर कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड, देर आर सम क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर एंड आई विल गिव योर सॉल्यूशन ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।